हेलो व्यूअर्स, आप सबको आपके चैनल में स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक एग्जाम्पशन के ऊपर है। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको एग्जाम्पशन कैसे लिया जाता है उसको समझना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। CME में सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है, कितने अटेम्प्ट तक आप ले सकते हो, कितना मार्क्स आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, आइए समझते हैं। CME में सब्जेक्ट वाइज एग्जाम्पशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक पेपर में 60 या 60 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जेम्प्टेड होता है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कितने अटेम्प्ट तक एग्जाम्पशन मिलता है। तो इसका जवाब ये है कि आपको 3 इमीडिएट अटेम्प्ट तक एग्जाम्पशन मिलता है। एग्जाम्पशन लेने पर कितना मार्क्स आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैरी फॉरवर्ड होता है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया इंटरमीडिएट ग्रुप वन में आपका 4 पेपर है, तो मान लीजिए ग्रुप 4 पेपर में से पेपर वन में आपको 60 मिले, पेपर टू में आपको 70 मिले और पेपर थ्री में आपको 40 मिले और पेपर फोर में आपको 39 मिले, टोटल आपको 209 मिले। अब आपने पेपर फोर में आपने 40 से कम मार्क्स पाने की वजह से आप उस ग्रुप को फेल कर गए। अब जब नेक्स्ट ग्रुप आप दोबारा दोगे, जो ग्रुप आप फेल हो चुके हो उसमें पेपर वन एंड पेपर टू आपको देने नहीं है, क्योंकि पेपर वन एंड पेपर टू आपके एग्जाम्प्टेड पेपर है, उसमें 50-50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मतलब 100 मार्क्स। और पेपर थ्री एंड पेपर फोर आपको देने हैं, उसमें भी 50-50 मार्क्स लाना है आपको और टोटल आपको 200 मार्क्स लाना है। इस तरह से आप पास हो जाओगे और आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।